अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड। आज हम बनाएंगे बीफ बिहारी बोटी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी बनाने के लिए हमने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच कच्चा पपीता पिसा हुआ और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक और पपीता मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 200 ग्राम दही, आधी चम्मच जर्दे का रंग, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और किसी भी ब्रांड का बिहारी बोटी मसाला 3 से 4 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे पूरे होने के बाद अब बोटियों को हम सीकों पर लगा लेंगे और फिर कोयलों पर सेक लेंगे। मसाला 2 घंटे में ही इतना अच्छा मैरिनेट हो चुका है कि ना तो इस पर ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ी और बोटियाँ वैसे ही सीख पर से गिर रही हैं। बोटियों पर कलर आने तक सीखों को अलट पलट करते रहें। जूसी और बहुत ही लजीज़ बिहारी बोटी तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।